बीए बैच ऑफ आर्ट्स एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं। इस कोर्स को 9 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स परसू करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे रेप्यूटेड एंड टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से बीए कोर्स करें, क्योंकि वहीं पर आपका प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल लोकल प्राइवेट कॉलेज से परसू करते हो तो वहाँ पर आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर कॉलेज प्लेसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। आज हम टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, उसके फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, टोटल सीट्स, प्लेसमेंट एंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यही 10 कॉलेजेस बेस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं एंड वहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। अब आज के वीडियो में जो कॉलेजेस हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट पोजिशन पर रखा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। अब अगर कोई दिल्ली में रहता है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कोर्स परस्यू कर सकता है, या आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, जिसके लिए आपको CUET देना है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 से कंडक्ट कराया गया है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। पहले भी होता था, पहले इंटीग्रेटेड एंड मास्टर डिग्री कोर्स के लिए होता था, बट नाउ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी में यूजी लेवल के जो कोर्सेज है उन कोर्सेज के लिए आप CUET दे सकते हैं। हाईएस्ट CTC आप देख सकते हैं यहाँ पे 58.8 लाख पर एनम, तो हाईएस्ट पैकेज आपका गया है 58 लाख। और इस पैकेज के लिए आपको एलिजिबल होना होगा, दैट इज़ आपके 12th में मिनिमम 50% से आप पास होने चाहिए। एंड यहाँ पे CUET के लिए अपियर होने के लिए टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ रूल है, आपको लैंग्वेज टेस्ट देना कंपलसरी है। इसके साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट में List B1, List B2 ये कुछ कैटेगराइज किया गया है, और List B1 में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और List B2 में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, CUET में उसी कोर्स को आपको लेना है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। तो वो चीज़ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, डिटेल में आप चेक करेंगे अप्लाई करने से पहले CUET के लिए। ओके, तो ओवरऑल 19 रैंकिंग इस कॉलेज को मिला है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए नंबर 1 पोजिशन पर हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये बेस्ट है फॉर बीए कोर्स। बीए में कई सारे आपको स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस से आप कर सकते हैं, या फिर बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म मास मीडिया से कर सकते हैं, या और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। नंबर 2 पोजीशन पे आता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो कि अगेन न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पे भी 12th में मिनिमम 50% or 55% होनी चाहिए, क्योंकि CUET के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे भी एडमिशन होना है। सो कुछ ही कोर्सेज है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, तो टोटल 68 सीट्स है JMI में। यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं, 21,600 रुपीज़ टोटल फीस है, मतलब अगर आपका बीए कोर्स 3 साल का है तो तीनों साल का मिला के 21,600 आपको पे करना है। सैलरी पैकेज की बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है 14 लाख पर एनएम और एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनएम। सो ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ओवरऑल रैंकिंग 13 दी गई है। अब यहाँ पे हम सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग, जो हाईएस्ट पैकेज गया है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस कॉलेज को नंबर 2 पर रखा गया है। नेक्स्ट है मिरांडा हाउस, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उन सभी में आपको CUET के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो CUET देने के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका CSAS पोर्टल स्टार्ट होगा, दैट इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, और इसके थ्रू काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आप मिरांडा हाउस में जा सकते हैं। सो फॉर दैट आपको पहले एलिजिबल होना होगा, यानी कि 12th आप मिनिमम 50% से पास कर चुके हैं, आपने CUET अपियर किया है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। इसकी फीस रहेगी 14,160 रुपीज़, ये टोटल फीस है। अगर आप हॉस्टल फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो 25,300 के अप्रॉक्स आपकी फीस लग सकती है। देन सैलरी पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज 19.25 लाख पर एनएम गया है, और एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख पर एनएम जा सकता है। ओके, नंबर 4 पोजीशन पे आता है लेडी श्रीराम कॉलेज, अगेन ये न्यू दिल्ली में है, और आपको फिर से CUET ही देना है। तो फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 63,000 to 64,000 टोटल फीस लग सकती है, एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे 7.5 लाख पर एनएम गया है। सो रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप 200 में से इसे 2nd पोजिशन दिया गया है। नंबर 5 पोजीशन पे आता है गार्गी कॉलेज, और अगेन ये न्यू दिल्ली में। दिल्ली में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और ये बीए कोर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसका अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वो बीए कोर्स के लिए ही फेमस है। सो
गार्गी कॉलेज में अगेन आपको CUET ही देना है, उसके बाद जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको अपियर होना होगा। सो BA कोर्स की टोटल फीस रहेगी 12 से 13 हज़ार। सैलरी पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम गया है और टोटल 230 सीट्स है। नंबर 6 पोजीशन पे है फर्गुसन कॉलेज जो कि पुणे में है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके 12th पास होने चाहिए, आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। सो BA कोर्स या BO ऑनर्स की फीस यहाँ पे 22,340 रुपीस टोटल फीस रहेगी और यहाँ पे टोटल 50 सीट्स है, तो मेरिट बेसिस आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, कोई आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। नेक्स्ट नंबर 7 पोजीशन पे है सेंट जावियर्स कॉलेज जो कि मुंबई में है। अगर आप मुंबई में रहते तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इसका खुद का जो एंट्रेंस होता है वो देना होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप BA या BA ऑनर्स कोर्स के लिए यहाँ पे 16,700 और 16,000 to 17,000 आपकी टोटल फीस लगेगी जो कि आपको पे करना होगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 6 लाख पर एनम आपका एवरेज पैकेज गया है, तो एंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। अगला कॉलेज है रामजस कॉलेज, अगेन ये न्यू दिल्ली में है। अब दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि सभी कॉलेज के लिए आपको CUET ही देना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग कराएगी उस काउंसलिंग में आपको अपियर होना होगा। 38,000 to 39,000 आपकी टोटल फीस रहेगी एंड बॉयज हॉस्टल के लिए यहाँ पे 35,000 रुपीज और गर्ल्स हॉस्टल के लिए यहाँ पे 38,000 रुपीज लगेगा। अगला है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में है और यहाँ पे आपको BA या BA ऑनर्स प्रोग्राम मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। यहाँ पे फीस ज़्यादा है, 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली आपकी फीस लग जाएगी और हाईएस्ट पैकेज अगर आप यहाँ पे देखो तो 20 लाख पर एनम होगा। सो नेक्स्ट जो कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जो कि लखनऊ में है, यहाँ पे आपको इसका खुद का एंट्रेंस होता है वो आपको देना है। LU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप BA या BA ऑनर्स कर सकते हैं। BA ऑनर्स में अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा, जिसके लिए टोटल फीस रहेगी 23,000 or 24,000। सो एवरेज पैकेज यहाँ पे 3 लाख या 3 to 4 लाख पर एनम जाता है। सो 12th में अगर आपके 40% भी है कम से कम तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ का एक पार्ट है, तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है। सो ये रहे कुछ टॉप 10 कॉलेजेस जहाँ से आप BA या फिर BA ऑनर्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।